अभी 21 अप्रैल को एक बहुत बड़ा रैली हम निकाल रहे हैं उस इलाके में जहां पर 21 जनवरी को उस इलाके में जहां पर लोग जो है जाते हुए डरते हैं और हम रैली निकाल रहे हैं कोहिस्तान के इलाके में थाना भूला खान में। तो इसी तरीके से हमारा पगवा जो है पूरे पाकिस्तान में घूमता है, पूरे पाकिस्तान में हमारे अहदेदार जाते हैं और उनके इलाके के मसाइल, उनके इलाके के जो लोग हैं उनके मसाइल हल करने के लिए खुद उनके घर तक पहुंचते हैं। और हमने इसी तरह अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिससे हम रबते में रहते हैं अपने लोगों के साथ, अपने कौम के साथ। और जिसका मसला अगर राजनपुर में होता है वो व्हाट्सएप में अपना मैसेज छोड़ता है तो एक घंटे में उसका मसला हल हो जाता है। तो माशाल्लाह पगवा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और आइंदा भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पंजाब में भी हम बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा अगला जलसा जो है वो अलीपुर में होगा फरवरी के महीने में और उसका ऐलान हम जल्द इंशाल्लाह करेंगे। सर दावत के सर पगवा के हवाले से आप किसी को इलेक्शन के हवाले में आइंदा इलेक्शन के हवाले में उम्मीदवार खड़े करेंगे? हम पगवा के हवाले से नहीं करेंगे लेकिन हम हर उस इलाके में अपना गबोल खड़ा करेंगे जहाँ पर हमारे गबोल कौम की जो है पॉपुलेशन है, जहाँ पर रहते हैं हमारे गबोल, हम हर उस इलाके में गबोल खड़ा करेंगे जो कि 7-8 एरिया है ऐसे जहाँ पर हमारे वोट बैंक काफ़ी बड़ी तादाद में, हम उधर अपने लोग खड़ा करेंगे। पंजाब में एक गबोल बलोच बरादरी बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, आपको आपने अभी बोला भी है, तो उसका आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या तैयार किया है, किसको आप उम्मीदवार खड़ा करेंगे? देखिए हम पंजाब में इस वक्त दो इलाके से अपने गबोल खड़ा करेंगे, एक राजनपुर से और एक अलीपुर से।